भोपाल मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई थी राज्यसभा की यह सीट। विधानसभा पहुंचकर एल मुरुगन ने अपना नामांकन राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर एपी सिंह के समक्ष पेश किया। नामांकन दो सेट में दिया गया है, जिसमें प्रस्तावक के तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ विधायक शामिल हुए। नामांकन जमा करने के बाद मुरुगन सहित सभी नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। साथ ही कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार नहीं उतारने पर तंज भी कसा। गौरतलब है कि संख्या बल के अनुसार बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन की जीत तय मानी जा रही है। कल नामांकन का अंतिम दिन है। अगर कल कांग्रेस सहित अन्य कोई उम्मीदवार अपना नामांकन जमा नहीं करता है तो एल मुरुगन निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो सकते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है। नमस्कार वनकम। मैं आई वांट टू गिव ए थैंक्स टू श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड नेशनल प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी एंड आई वांट टू एक्सटेंड माय ग्रेट थैंक्स टू अवर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। When I was state president, I took a whale yatra. That is one, I took a yatra. Our Mananiya Mukhyamantri came and samarpan kiya ye program ke liye. Ye Bhagwan ka yatra, ye Bhagwan Murugan mein mera Mukhyamantri idhar pakad ke aaya. Murugan ka aashirwad se ye. Main dhanyavaad dena chahunga हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारा वीडी शर्मा जी, मेरा साथ मंत्री केंद्र मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी जी, प्रह्लाद पटेल जी, नरोटम मिश्रा जी एंड सभी बीजेपी कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहेंगे। क्यों कहना, मैं तमिलनाडु से आ रहे, इधर मेरा का एक मौका दिया सब लोग, भारतीय जनता पार्टी ने मेरा का एक अवसर दिया, हमारा कार्यकर्ता इधर पूरा सपोर्ट किया। आज हमारा कार्यकर्ता, हमारा लीडर्स, हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारा मंत्री लोग सब लोग इकट्ठा करके मेरा एयरपोर्ट से कितना प्यार से एक वेलकम दिया, इतना वेलकम करके मैं इधर आए। मैं अभी नामिनेशन किया, मेरा ये कि मैं बोलना चाहूँगा, मैं इधर आई एम फीलिंग इट इज़ एन my mother land. I'm very happy to serve with the whole team. I got a very good opportunity to serve under our leadership to Madhya Pradesh. Thank you, धन्यवाद, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के माननीय प्रधानमंत्री जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, केंद्रीय गृह मंत्री जी के आभारी हैं। उन्होंने बहुत सहयोग समर्पित और कर्मठ प्रशासनिक क्षमता के धनी कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। मुरुगन जी बहुत समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। बचपन से ही वो विचारधारा के साथ जुड़कर पहले विद्यार्थी परिषद के काम में लगे रहे और संगठनात्मक दृष्टि से तमिलनाडु में बीजेपी के संगठन के विस्तार में उनकी बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने वहाँ काम किया है और मध्य प्रदेश का सौभाग्य तो इसलिए भी कि एक केंद्रीय मंत्री
और मध्य प्रदेश को मुरुगन जी के रूप में मिले हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विकास में और यहाँ की जनता के कल्याण में वो बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करेंगे। मैं मध्य प्रदेश में उनका स्वागत करता हूँ। पार्टी संगठन हम सब केंद्रीय नेतृत्व के आभारी हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।